कल्याण सिंह, भारत की राजनीति का एक ऐसा नाम जो हमेशा विवादों में रहा। आज जब उनका स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर है, तब आइए जानते हैं वो किस्सा जब कल्याण सिंह को जनसभा के दौरान एक फोन आया और उस फोन पर उनसे कहा गया कि उनकी सरकार गिर गई है। नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरभि। भाजपा के दिग्गज नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सबसे पहले आता है। इन्होंने भाजपा के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन यूपी में जब एक तरफा कांग्रेस का राज हुआ करता था, तब कल्याण सिंह ने वहां कांग्रेस को हटाकर भाजपा की सरकार बनाकर देश में एक नया संदेश दिया। कल्याण सिंह यूपी में भाजपा के पहले सीएम बने, लेकिन उनकी सरकार ज्यादा समय तक नहीं चली और करीब एक साल बाद कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद का विवादास्पद ढांचा गिराने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन कल्याण सिंह 1997 में फिर से एक बार मायावती की पार्टी के साथ गठबंधन करके सीएम बने, लेकिन कुछ ही महीनों बाद मायावती ने अपना समर्थन वापस ले लिया। कल्याण सिंह की पार्टी अल्पमत में आ गई। लेकिन शायद कल्याण सिंह को इस बात का अंदाजा पहले से ही था। जैसे ही मायावती ने अपना समर्थन वापस ले लिया, वैसे ही उन्होंने 21 अन्य विधायकों का समर्थन शामिल कर अपनी सरकार को बचा लिया। लेकिन कल्याण सिंह के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। साल 1998 में कल्याण सिंह अपने प्रत्याशी के पक्ष में अमरोहा के रहरा में एक जनसभा में व्यस्त थे। उसी समय उनको लखनऊ से एक फोन आता है कि उनकी सरकार गिर गई है और कांग्रेस के जगदम्बिका पाल मुख्यमंत्री बन गए हैं। 21 फरवरी 1998 में कल्याण सिंह को राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया था। तत्कालीन गवर्नर रोमेश भंडारी के इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया। जगदम्बिका पाल ने रात 10:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इतना बड़ा सियासी घटनाक्रम पहले ही शायद देश की राजनीति में किसी को देखने नहीं मिला था। इस मामले की भनक लगते ही अटल बिहारी वाजपेयी ने मोर्चा खोल दिया और गवर्नर के फैसले के विरुद्ध आमरणांत अनशन पर बैठ गए। फिर मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया, जहां कल्याण सिंह के हक में फैसला आने के बाद हाई कोर्ट ने राज्यपाल को अपना आदेश बदलने का आदेश दिया। जगदम्बिका पाल विधानसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए, जिसके चलते उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। इस तरफ जगदम्बिका पाल उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक दिन के मुख्यमंत्री बनकर रह गए। जगदम्बिका पाल को वन डे वंडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। ये नाम उन्हें इसी घटनाक्रम के बाद मिला। कल्याण सिंह के समर्थन में 225 और जगदम्बिका पाल को 196 वोट मिले, जबकि कल्याण सिंह को पक्ष के 12 वोटों की स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया। फिर भी कल्याण सिंह के पास पूरा बहुमत होने के कारण दोबारा उन्हें सीएम की कुर्सी मिली। देश की राजनीति में ऐसा मामला ना तो इसके पहले या फिर इसके बाद हुआ। यह घटना अपने आप में एक इतिहास बनकर रह गई। आज जब कल्याण सिंह की तबीयत थोड़ी नाजुक है, तब हम दुआ करते हैं कि उनकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। इसी के साथ ही इस खास खबर में इतना ही। आगे भी देश और दुनिया से जुड़ी हुई सारी खबरें पाने के लिए आप देखते रहिए ओटीटी इंडिया। रग रग में हिंदुस्तान।